नहमदुहु नसल्ले अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से। आज वो खुशी का दिन आ चुका है, बहुत देर लगी लेकिन आज हम बहुत यानी फ़ख्र के साथ ये कह सकते हैं, आज एक हफ़्ता हुआ है और हमारी एक्सकवेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से जारी है। ये देरी हुई है, हमारे चंद लोग जो इसमें ओनर्स हैं उनको खदशात थे, लेकिन हमें ख़ुद बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और उसका अजाला करना हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल था क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा महंगा हो गया। लेकिन हमारी कमिटमेंट की वजह से हम वो सारी चीज़ें बाखुशोसलूबी के साथ इंशाल्लाह तकमील की तरफ लेके जाएंगे। आज हमारा हफ्ता भी पूरा नहीं होता, हमने तकरीबन 12 फुट तक खुदाई हम कर चुके हैं, जो हमारी टोटल 42 से 44 फुट की दरमियान है, उसमें 12 फुट हमने कर चुके हैं। तो असल चीज़ जो इसकी काम की रफ्तार है, तो इंशाल्लाह मेरा ये ख्वाहिश होगा कि आने वाले कुछ दिनों में हम नीचे से ग्राउंड तक जल्दी से पहुंचेंगे। जो डिले हो चुका है उस डिले को इंशाल्लाह हम तेज़ी से इस काम को आगे लेके जाएंगे ताकि वो पीरियड हम अचीव कर सकें। अगरचे हमें बहुत ज़्यादा रेटों में नुकसान है, लेकिन हमारी एक कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट हम हर सूरत में इंशाल्लाह पूरी करेंगे। तो आप लोग आएँ मेरे साथ, ये देखें कि ये हमारा जो एक्सकवेशन है वो 12 फुट तक पहुंच गया है, ये 12 फुट हाइट तक डेप्थ तक ये पहुंच चुका है और इंशाल्लाह मज़ीद जो है ना ये हर दिन तेज़ी इसमें आएगी। पीछे ये मशीनरी देखें, इस वक्त हमारे जो है ना वो 3 एक्सकवेटर चल रहे हैं और इसमें से 20 ट्रक लोडर यहाँ से मिट्टी उठाने के लिए मौजूद हैं और जो जाते हैं और आते हैं, मुसलसल काम हमारा तेज़ी से जारी है। तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश है और आप लोगों का तआवुन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप हमें ना फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक से ये उम्मीद है कि हम इस काम को जल्द अज जल्द तकमील की तरफ ले जाएं। तो मेरी दुआ है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का तआवुन हमारे साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम अपने मंजिल की तरफ दौड़ के पहुँचेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।